अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खातर। आइए 30 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मस्जिद अल हरम में ज़ायरीन के लिए हुकूमत के इंतजामात, अब ज़ायरीन की मदद के लिए रोबोट्स मुतारफ, आब जमजम तकसीम और सफाई में मदद करना उनका मकसद। रामल्ला में अमेरिकी कांग्रेस की समाअत, फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर मगरबी किनारे में इसराइलियों के खिलाफ तशद्दुद की हिमायत का लगाया इल्ज़ाम, फ़लस्तीनी हुकाम ने की मजम्मत, इसे करार दिया गुमराह कुन। सऊदी इसराइली डील के लिए बुनियादी फ्रेम वर्क मौजूद, वाइट हाउस तर्जुमान जॉन कैरबी का बयान, तालुकात के गौस फ़लस्तीनियों को रियायतें देने की सऊदी अरब ने रखी शर्त। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों का मुकाबला करने की हिकमत अमली के दस्तावेजात किए जारी, ईरान और शुमाली कोरिया को करार दिया मुस्तकिल खतरा। पाकिस्तान में 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज, तहकीकाती टीमों ने खान व दीगर समेत 900 से ज्यादा अफराद को करार दिया मरकजी मुलजिम। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शदीद तूफान बारिशों व सैलाब से मचा कोहराम, सबवेज कारों में फंसे लोग, हंगामी सूरत हाल का ऐलान। भारत में अमेरिकी मिशन का ऐलान, हिंदुस्तानियों को एक साल में 10 लाख अमेरिकी वीज़े जारी, अमेरिकी मिशन को वीज़ा फीस से हुई 1280 करोड़ की आमदनी। इंडिया कनाडा तनाज़े पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का फिर रद्दअमल, दुटुक कहा जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ाम बेबुनियाद, अमेरिका को भी अपनी तशवीश से कर दिया आगाह। सदर जमहूरिया मुर्मू ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को दे दी मंजूरी, मरकज़ ने जारी किया गेजेट नोटिफिकेशन, जिसके बाद नारी शक्ति वंदन एक्ट बन गया कानून। पार्लियामेंट में भाजपा एमपी रमेश भिदौड़ी के नाजिबा अफसरों का सामना करने वाले एमपी दानिश अली का पीएम मोदी को लेटर, भिदौड़ी पर कार्रवाई का किया मुतालबा। पंजाब में हालिया कांग्रेस लीडर की गिरफ्तारी, पैदा शकूक के दरमियान केजरीवाल ने किया वाज़े, मान हुकूमत मंशियात के खात्मे के लिए पुरअज़्म, साथ ही इत्तेहाद इंडिया से मुकम्मल वाबस्तगी की जाहिर। कौमी बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला की बंगाल की टीएमसी पर सख्त तनकीद, तृणमूल कांग्रेस को करार दिया तालिबानी जहनीत और सकाफत वाली हुकूमत। दिल्ली में उर्दू जर्नलिज्म 40 अंडर 40 अवार्ड्स तकरीब, बीबीएन चैनल के प्रोग्राम प्रोड्यूसर व एंकर शेख खलील फरहाद अवार्ड से सरफराज, कौमी सतह के 40 उर्दू सहाफ़ियों को दिए गए अवार्ड्स। एशियन गेम्स 2023 में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी, सेमीफाइनल में पहुंची स्टार बॉक्सर निकहत जरीन, उर्दन की हन्नान को हराकर फतह की हासिल। मुंबई में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मुहम्मदी खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसे में आरएलडी कौमी सदर जयंत सिंह और मजलिस लीडर वारिस पठान की भी शिरकत। महाराष्ट्र में गणेश मूर्ति विसर्जन, मुंबई में हजारों मूर्तियों का विसर्जन, पेश आए मुख्तलिफ हादसात, 12 लोगों की मौत, 9 अफराद पानी में डूब गए। कल हैदराबाद में मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम अजीम शान मिलाद जुलूस, दोपहर 12 बजे तारीखी मक्का मस्जिद से जुलूस का होगा आगाज। पीएम मोदी का कल 1 अक्टूबर को दौरा तेलंगाना, रियासत को देंगे 13,500 करोड़ के प्रोजेक्टों का तोहफा, महबूब नगर में जलसे से करेंगे खिताब। तेलंगाना में करीब आते इलेक्शन, टिकटों की तकसीम के मसले पर मैदान में उतरे राहुल गांधी, कामयाबी के रोशन इम्कानात पर उम्मीदवारों को तरजीह देने का दिया मशवरा। पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम जल्द होगा शुरू, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मिनिस्टर केटीआर से मुलाकात कर जल्द गुलजार हाउस के इफ्तिताह का भी किया ऐलान। हैदराबाद में गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम, सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया मुआयना, एक ही दिन में 8,424 टन कचरे की निकासी। रेवंत रेड्डी पर टिकट फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाने वाले मुअत्तल लीडर मनोहर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज, अगर रकम नहीं ली तो मंदिर में कसम खाकर बेकसूर करे साबित।
शमशाबाद एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर अतराफ में 1 अक्टूबर को रहेगा नो फ्लाई जोन। किसी भी तरह की उड़ने वाली मशीनों के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 1 5 साल माजूर बच्चे का अगवा, 2 नामालूम अफराद का अगवा करने का CCTV वायरल। मुलजमीन की शनाख्त के लिए खसूसी टीमें तश्कील। हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी, 24 कैरेट सोना 59,100 रुपये जबकि प्योर चांदी 727 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। खुश आमदीद। BBN चैनल की जानिब से पेश है एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म bbnbazaar.com, जहां आप अपना बिजनेस चाहे किसी भी किस्म का हो प्रमोट कर सकते हैं। bbnbazaar.com पर आप फूड आइटम्स, शॉपिंग, फैशन, लाइफ स्टाइल्स, ट्रैवलिंग और हर किस्म के दिलकश ब्लॉगिंग वीडियोस देख सकते हैं। क्या आप अपने ख्यालात, महारत और तजुर्बात को दुनिया के साथ बांटने का शौक़ रखते हैं तो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, अपनी ऑनलाइन मौजूदगी बनाएं, bbnbazaar.com से कॉन्टैक्ट करें और अपने कारोबार को दुनिया तक पहुँचाएँ। bbnbazaar.com के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स YouTube, Facebook और Instagram को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।